मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के मौके पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम में विवेकानंद नगर स्थित न्यूट्री गार्डन को लाडली लक्ष्मी वाटिका एवं केएन कॉलेज रोड पर लाडली लक्ष्मी पथ का चयन किया गया। इस गरिमामय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के द्वारा लाडली लक्ष्मी वाटिका एवं लाडली लक्ष्मी पथ का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष मंजू वीरेंद्र राय, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, कलेक्टर एस कृष्ण चितन के साथ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। शासन के निर्देश अनुसार जो है दमो में भी हम लोगों का लाडली पद और लाडली वाटिका का जो है चयन किया गया है और आज नगर पालिका अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष और सम्माननीय जनप्रतिनिधि के साथ जो है दोनों का इनॉग्रेशन जो है आज कार्यक्रम की गई है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम जो है ये की गई है और 2:30 बजे से हम लोगों का लाडली लक्ष्मी का मुख्य कार्यक्रम जो है वो भी अपने मानस भवन में ये प्लान की गई है, जिसमें सभी अभी तक के लाडली लक्ष्मी के जो हितग्राही है उन सभी लोगों को बुला के हम लोग लाभान्वित करते हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की महत्वाकांक्षी योजना लाडली लक्ष्मी, जिसके तहत हमारे इस मध्य प्रदेश में ऐसी प्रत्येक बिटिया जो जन्म लेती है उसे लाडली बनाने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया जा रहा है, तो उसे फेज 2 में जो लाडली लक्ष्मी योजना चालू हो रही है उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी पथ और लाडली लक्ष्मी वाटिका ऐसे नामों से भी हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार के पथ और वाटिकाएँ संबोधित हों, जिससे हम सभी के बीच में एक मैसेज जा सके कि हमारे इस मध्य प्रदेश की जो बेटियां हैं उनके संरक्षक हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं और उन्हें पालन पोषण का जो उन्होंने दायित्व लिया है तो उस दायित्व को निभाने का काम हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।